जिसने 3 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से 2 गाड़ियों को बॉन्ड किया गया है जबकि अन्य 28 वाहनों के चलान किए गए हैं। पुलिस थाना दारलाघाट में आपदा मैनेजमेंट की विभिन्न धाराओं के तहत 5 मामले दर्ज किए गए हैं और 59 वाहनों के चलान किए गए हैं। इसके साथ साथ अर्की उपमंडल की सीमाओं पर पुलिस के नाके लगाए गए हैं। अर्की उपमंडल के तहत जो है लॉकडाउन के दौरान हमने यहाँ पे 3 केस जो है वायलेशन के जो दर्ज किए हैं और इसमें 28 जो गाड़ियों के चालान किए गए हैं और 2 गाड़ी जो है इम्पोर्ट की गई है। दारला पुलिस स्टेशन के तहत भी 5 केस जो है वायलेशन जो 188 के तहत केस दर्ज किए और जिसमें हमने डिसास्टर मैनेजमेंट की भी धाराएं लगाई है और वहां पे गाड़ियों के 59 चालान किए गए हैं। नाकाबंदी भी की जा रही है अपने शिमला बॉर्डर के साथ और बिलासपुर जो हमारी सीमा लगती है अर्की की, जयनगर के साथ भी हमारा जो है वहां नाका लगा है और पुलिस पूरी तरह से इसमें मुस्तैद है और पूरी तरह सतर्क है। लोगों से भी आह्वान कर रहे हैं कि जो है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे और मास्क लगा करके ही चले ताकि हम इस लड़ाई को जो है लड़ सके कोरोना के खिलाफ। जो है पुलिस जो हमारे जवान है उनको भी आगाह किया जा रहा है कि वो भी डिस्टेंस मेंटेन करें। पुलिस उपाधीक्षक प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन है जिसके तहत कर्फ्यू लगाया गया है और लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की अपील की गई है, लेकिन कुछ लोग किसी भी समय वाहनों में सड़क पर निकल पड़ते हैं जिसके चलते उनके चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की अपील है कि लोग बिना वजह घरों से बाहर न निकले और अन्य लोगों के लिए मुसीबत खड़ी न करें। अर्की जिला सोलन से आपका चैनल के लिए शहनाज भाटिया की रिपोर्ट।